बाबा साहेब अंबेडकर का जो मिशन है उसे काशीराम ने आगे बढ़ाया था, अब इसे हम यानी बहुजन संघर्ष दल आगे बढ़ाएगा। ये बात पार्टी और बहुजनों के वरिष्ठ नेता फूल सिंह वरैया ने महू में आयोजित समारोह के दौरान कही। महू में आयोजित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जयंती समारोह के अवसर पर बाबा साहेब को शानदार सलामी दी गई। वहीं हजारों की संख्या में उनके अनुयायियों ने बाबा साहब का पूजन अर्चन किया। सब आनंद है और महाराष्ट्र तक पहुंचना चाहिए। संविधान निर्माता और हम सब जो है वो भी शामिल हो जाए, वो भी परेड में शामिल हो जाए, क्योंकि हम आम आदमी के लिए यहाँ पर आए हैं। इस अवसर पर जमकर आतिशबाजी भी की गई। पूरा मंदिर परिसर विद्युत सज्जा से सराबोर होकर एक अलग ही छटा बिखेर रहा था। सम्मेलन के अध्यक्षों को निमंत्रित किया है तथा भारत में भी कई साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष जी है, तो फटाफट यहाँ से निकल कर आप सुबह की तैयारी करने वाले भी बाजी जी वानखड़े जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे अतिथियों को फूल सिंह वरैया जी और उनका हिस्सा होंगे तो मैं माननीय लाल सिंह आर्य जी से अनुरोध करूंगा कि 127वीं जयंती पर जो साहब भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब अंबेडकर की 127वीं जयंती के उपलक्ष्य में महू के दशहरा मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आए वरिष्ठ नेता फूल सिंह वरैया ने हुंकार भरते हुए प्रदेश को भयमुक्त बनाने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि आज यहां लाखों की संख्या में दलित समाज अपने बाबा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हुआ है। जिस तरह के हालात देश में बने हैं उससे वर्तमान सरकार की नीति व चालबाजी सबके समझ में आ रही है। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है और हम लोग कांशीराम जी के शिष्य हैं। हम लोगों ने इस देश में एक नारा लगाया था, बाबा साहब का मिशन अधूरा कांशीराम करेंगे पूरा। तो कांशीराम जी तो अब हमारे बीच से चले गए, लेकिन अब हमें बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन पूरा करना है। उस मिशन को पूरा करने के लिए कल 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म जिस जगह पर हुआ है महू, वहाँ हम लोग शपथ लेंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर का अधूरा सपना पूरा करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर का अधूरा सपना है इस देश में कि इस देश में 25 नवंबर 1949 को बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखने के पश्चात कहा था कि राजनीतिक बराबरी तो मिल गई है लेकिन आर्थिक बराबरी और सामाजिक बराबरी नहीं मिली। तो सामाजिक बराबरी आर्थिक बराबरी जब आज तक नहीं मिली है तो ये शेड्यूल कास्ट चाहे ओबीसी माइनॉरिटी जो बहुजन जिसको कहा गया है वो गरीब है, कमजोर है, लाचार है, इसके पास रोजी रोटी के लिए साधन नहीं है, रोजगार नहीं है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना अगर पूरा हो जाए तो इन वर्गों के घरों में खुशहाली आ जाएगी। आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि देश का जो बजट है 1952 में नेहरू जी ने लागू किया था और 18-19 में मोदी जी ने लागू किया है, 1952 से लेकर के 2018 तक इस बजट में
बहुजन समाज को आज तक कोई हिस्सा नहीं दिया गया है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जहां रोजी रोटी के लिए मोहताज है, वहां देश के बजट में इसका जो हिस्सा है वो अभी भी नहीं मिला है। और बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान अगर लागू हो जाए, सुई से लेके हवाई जहाज तक इसका हिस्सा इसे मिल जाए, तो गरीबी भी खत्म होगी, लाचारी भी खत्म होगी, देश में बराबरी आ जाएगी। और जब देश में बराबरी आ जाएगी तो भारत देश प्रगति करेगा, और भारत देश जब प्रगति करेगा तो दुनिया में भारत देश का मुकाबला कोई करने वाला नहीं है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर की सोच है। उन्होंने कहा कि सरकार की संविधान बदलने की साजिश को आम हिंदुस्तानी समझ चुका है, अब वह किसी के भी बरगलाने में नहीं आएगा। प्रदेश में बहुजन संघर्ष दल पूरी ताकत विधानसभा चुनाव में दिखाएगा। झंडा लहरा गया होता। आज के समय बहुजन संघर्ष दल फिर से संघर्ष में है, और मैं आज आपसे कह सकता हूं कि 230 सीटों की हमारी पूरी तैयारी है। 230 सीटों में आज भी, आज हमें 7-8 महीने बाकी हैं इलेक्शन में, 230 सीटों में आज हम अगर फाइट करेंगे तो 135-40 सीटों तक की हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में हम पावर में आएंगे, और हमारे बिना मध्य प्रदेश में कोई पावर में नहीं आएगा। ये हमारी पूरी तैयारी है। मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, बीजेपी की सरकार लंबे समय से है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, ट्राइब के लोगों की हालत तो ऐसी खराब हो गई है कि 70 वर्षों की आजादी में आदिवासी को आज रोजी रोटी नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, और आदिवासी इधर मांग कर रहा है कि संविधान की 5वीं-6वीं अनुसूची लागू की जाए जिससे आदिवासियों का सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि इस वर्ष होने वाले चुनाव निर्णायक भूमिका में रहेंगे। अपने विशेष साक्षात्कार में बहुजनों के नेता फूल सिंह बरैया ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, हम सत्ता में आएंगे तो पिछड़ा वर्ग को 51% आरक्षण दिलाएंगे। इस बीच में बहुजन संघर्ष दल ने कहा है कि पिछड़ों का अधिकार हम देंगे, जहां पिछड़ों का संविधान में आर्टिकल 340 भारतीय संविधान भाग 16 बाबा साहेब अम्बेडकर की कलम से पिछड़े वर्गों के लिए 100 में 52% हिस्सा लिखा गया है, जो आज राज्य की सरकारों ने 15% कहीं 27% की बात करती है। और बहुजन संघर्ष दल ने दावा कर दिया है कि इधर हमारी सरकार बनेगी तो आदिवासियों को खुशहाल जिंदगी देंगे, और पिछड़े वर्गों का 52% हिस्सा है, हम उस हिस्से के लिए लड़ेंगे और पिछड़ा वर्ग को खड़ा करके उसका हिस्सा देंगे।